हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जामगढ़ न्यू। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 के बारे में, जिसका कि फ्रेंड्स फेज फर्स्ट का एग्जाम यहां पे कंप्लीट हो चुका है और आज यानी 16 जनवरी 2020 से फेज सेकंड के एग्जाम भी स्टार्ट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, फेज फर्स्ट में जो भी एग्जाम हुए थे 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक, टोटल 24 शिफ्ट एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। उन सभी टोटल 24 शिफ्टों के जो भी जीके के क्वेश्चन थे, वो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, 900 जीके के क्वेश्चन, उन सभी का वीडियो के हम आपके सामने आ चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये जो जीके के क्वेश्चन है, ये बार बार यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को आप रट डालो, इन्हीं में से आप देखिएगा 40% क्वेश्चन आपके जो शिफ्ट होगी, जो भी आपकी आने वाली एग्जाम है, उसमें कवर हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों तक जो है एनालिसिस वीडियो का पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभनाथ जो हैं, ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, जो भी धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में यहाँ पे पूछा है, धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है स्टैटिक जीके में, उन सभी को आप पढ़ डालो, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पुटअप होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबल पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स, अमर्त्य सेन जो थे, इनको नोबल पुरस्कार मिला था 1998 में, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, नोबल पुरस्कार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ब्लड का पीएच मान, यहाँ पे नींबू का पीएच मान पूछा गया था। तो नींबू के पीएच मान की बात करें तो 2.5 यहाँ पे नींबू पीएच मान होता है, और ब्लड की बात करें तो 7.4 यहाँ पे ब्लड का पीएच मान होता है। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो का बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद में आपको देखिएगा, जैसे ही वीडियो एंड होगा उसके बाद में वहाँ पे पीडीएफ डाल दी जाएगी, वहाँ से आप इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मदर अर्थ डे इज सेलिब्रेट व्हेन, यानी कि मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल जो है इसको पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीआरडीओ के हेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डीआरडीओ के जो हेड हैं वो जी सतीश रेड्डी जो है, ये डीआरडीओ के हेड हैं। हाल ही में इनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष के लिए और यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। बात करें डीआरडीओ के हेडक्वार्टर के बारे में, तो न्यू दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 2019 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। अक्खितम अच्युतम नमोस्तुति, ये जो है इनको यहाँ पे 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो इनको यहाँ पे मिला था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कई शिफ्ट में यहाँ पे इनका पूछ लिया गया था कि कौन सा पुरस्कार मिला था, तो 55वां पुरस्कार मिला था, और किसको मिला था, तो यहाँ पे इनका नाम दिया है जो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, किस राज्य की तटरेखा भारत की सबसे लंबी है। तो गुजरात जो राज्य है उसकी तटरेखा भारत में सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, जो भी मंदिर हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ये देखिएगा, 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था, सबरी माता माला का जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, केरल स्थित है सबरी माला का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। तो सत्य नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट सीईओ हैं उन सभी को आप यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दीजिएगा, सीईओ से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वोच्च लोकसभा सीट कितनी है, कितनी लोकसभा की सीटें हैं भारत में। 552 सीटें हैं भारत में लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंगलयान फर्स्ट लॉन्च्ड डेट, यानी कि मंगलयान फर्स्ट जो है कब लॉन्च किया गया था। तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान फर्स्ट जो है लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की शुरुआत, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी खालसा पंथ की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईपीएल 2020 कहाँ पर, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल 2020 जो है संपन्न हुआ था। और बात करें विनर टीम की, तो मुंबई इंडियंस इसमें विनर रही थी। फ्रेंड्स, आईपीएल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, जो भी मोस्ट क्वेश्चन है इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए,
को पर्पल कप मिला था, किसको यहाँ पे मैन ऑफ सीरीज मिली है, और किस टीम के जो खिलाड़ी उन्होंने यहाँ पे हैट्रिक ली थी, किसने सर्वाधिक रन बनाए थे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये जो अधिनियम है 1986 में पारित हुआ था, पर्यावरण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएनबी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? पीएनबी का हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है, पीएनबी का हेडक्वार्टर। फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और यहाँ पे देखिएगा फ्रांस में है, तो आप कंट्री और जो भी सिटीज हैं इन सभी को आप यहाँ पे रिवाइज कर लीजिएगा। कंट्री रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो आपके सिटीज हैं उनसे रिलेटेड, और स्थापना वर्ष जो है, जैसे यहाँ पे पीएनबी का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया है तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके से काफी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा भी मैं आपको स्टैटिक जीके के काफी क्वेश्चन है जो वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक, और फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि सभी फ्रेंडों के साथ में वीडियो का एनालिसिस अच्छे तरीके से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के सबसे युवा जो राष्ट्रपति हैं वो कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं यहाँ पे सबसे युवा राष्ट्रपति थे इंडिया के। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं और जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इन सभी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इंपॉर्टेंट नारे जो भी दिए थे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, इस प्रकार के नारे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो का नारा, इस प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट नारे हैं उन सभी का भी रिवाइज कीजिएगा। एक नारे से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, कुडनकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कोविड केयर ऐप के बारे में, यानी कि कोविड 19 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, किस राज्य ने सबसे पहले आज जो है यहाँ पे लॉकडाउन लगाया था, और जो जनता कर्फ्यू कब लगा था, इस प्रकार के क्वेश्चन, कोविड केयर ऐप जो भी योजना इस वर्ष चलाई गई है, उन सभी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोविड केयर ऐप की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है इसके द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 थर्ड एडिशन कहाँ पे हुआ था? तो इसका थर्ड एडिशन हुआ था फ्रेंड्स गुवाहाटी असम में। बात करें फोर्थ एडिशन के बारे में कि फोर्थ एडिशन कहां पे होगा, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका फोर्थ एडिशन होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई हुई थी। फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे देखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे, जैसे यहाँ पे तराइन के युद्ध हो गए, पानीपत के युद्ध हो गए, किसकी विजय हुई थी, किसकी पराजय हुई थी, और किस तिथि को ये युद्ध हुए थे, हल्दीघाटी का युद्ध हो गया, युद्धों से रिलेटेड क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा युद्ध नहीं है, बिल्कुल कम है और बिल्कुल ईजी इनको होता है याद करना, तो इन सभी को एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उबंटू क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, डीएनए के बारे में पूछ लिया गया, डीएनए की खोज जेम्स डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टोटल रामसर साइट इन इंडिया अपडेटेड, यानी कि टोटल भारत में कितनी रामसर साइट अपडेट की गई है? तो टोटल 42 रामसर साइट है अब तक प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार गवर्नर, बिहार के गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फागु चौहान बिहार के वर्तमान में गवर्नर। नेक्स्ट देखिएगा, यूआरएल फुल फॉर्म, फ्रेंड्स यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। बात करें यूआरएल की फुल फॉर्म के बारे में, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यहाँ पे जो यूआरएल है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिएगा, बंगाल विभाजन से रिलेटेड यहाँ पे तिथि पूछ ली गई है, तो फ्रेंड्स ये 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, राज तरंगिनी किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स बहुत ही ओल्डेस्ट बुक है राज तरंगिनी, जो कि यहाँ पे के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू जो है इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस भाग में आते हैं चुनाव आयोग? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, जो आपका भाग 15 है इसमें चुनाव आयोग से संबंधित बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गोबी डेजर्ट का बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो मंगोलिया जो है यहाँ पे गोबी डेजर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है। बात करें गोबी रेगिस्तान मंगोलिया है। और यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड देखभाल एस
पहला कोविड वैक्सीन जो है किसने लॉन्च किया है, कोविड जो कोरोना चल रहा है इसका सबसे पहला कोविड का वैक्सीन किसने लॉन्च किया है, तो रूस ने किया है। जो वैक्सीन है उसका नाम है स्पुतनिक। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी वैक्सीन यहाँ पे तैयार की गई है किसने इसका ह्यूमन ट्रायल कराया है और किस देश ने सबसे पहले जो है इसकी वैक्सीन तैयार की है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बात करें सबसे पहले जो कोरोना का फर्स्ट जो यहाँ पे देखा गया था लक्षण, वो चीन के बीजिंग शहर में देखा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, सैंडल पीक कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर है। फ्रेंड्स जो भी एसआई इकाई है, जैसे प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी इकाई ओम एम्पियर है। इस प्रकार जो भी एसआई इकाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके यहाँ पे हो गए वो फिजिक्स हो गए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन साइंस के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन ही एवरेज है, इतना ही प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए, इससे ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सुकन्या स्मृति योजना जो है ये किस, इसका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य की शिक्षा का खर्च और शादी का खर्च, इससे संबंधित है सुकन्या स्मृति योजना। ये बहुत ही ओल्डेस्ट योजना है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फ्रेंड्स देखिएगा, 2014 से लेकर 2020 तक की जो भी योजनाएं हैं इन सभी का एक बार आप रिवाइज करिएगा, इन सभी से प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन योजनाओं से रिलेटेड जीके में पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स ज़्यादा इनको वो नहीं है याद करने का, काफ़ी जो है एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पास जो कश्मीर को लेह से जोड़ता है कौन सा दर्रा है, तो जोजिला दर्रा यहाँ पे कश्मीर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसरो के फाउंडेशन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 7 बहनों का राज्य कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन दिए गए थे, उनमें सिक्किम ऐसा राज्य था जो जिसको कि 7 बहनों का दर्जा यहाँ पे प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा जो है स्टेट, इसमें राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है इनको यहाँ पे कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन गेट को एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन था कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो एडविन लुटियन जो है इसके द्वारा इंडिया गेट का जो डिजाइन है वो यहाँ पे तैयार किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिशूल हिमालय पर्वत किस सीकर राज्य में है, बात करें त्रिशूल हिमालय की, तो उत्तराखंड जो है स्टेट है इसमें त्रिशूल हिमालय स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, यूरोप का चंद्रमा किस ग्रह को कहा जाता है, तो बृहस्पति जो ग्रह है इसको यूरोप का चंद्रमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1981 में भारत में नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी जो थी उसमें कौन सी गैस यहाँ पे जो है भोपाल गैस त्रासदी के समय वो हुई थी, तो मिथाइल आइसोनाइट है भोपाल गैस त्रासदी के समय सबसे ज़्यादा फैली थी। नेक्स्ट देखिएगा, एटॉमिक थ्योरी गिवन, तो जे डाल्टन जो है इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड्स ये हैं शरद अरविंद बोबड़े और ये 47वें हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन आता है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया रैंक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया में इसकी रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक इसमें 94 रही है। फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वैश्विक स्पर्धा, जैसे यहाँ पे हंगर इंडेक्स का पूछ लिया गया है, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, इस प्रकार के जो भी इंडेक्स है इनसे रिलेटेड आप यहाँ पे रिवाइज कीजिएगा, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट है वर्ल्ड का कौन सा है, आइसलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंट, तो आंसर हो गया मोल, यानी कि जो आपके यहाँ पे सबस्टेंट्स की अमाउंट की जो यूनिट होती है वो मोल होती है पदार्थ की। नेक्स्ट देखिएगा, विच अमाउंट द फॉलोइंग इज मैराथन, आंसर कोल इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपकी मैराथन कंपनीज है उनसे रिलेटेड पूछा गया है, तो यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे
अंधी स्टार साल्ट मार्च उमदा डंडी डांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? तो नववर्षी। फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी हो चुका है, इनको आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा एमपी के गवर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि एमपी के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जो हैं एमपी के वर्तमान में गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जलियावाला बाग किस वर्ष में हुआ था हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था। बात करें यूएन से रिलेटेड है, यूएन का हेडक्वार्टर पूछा गया तो न्यूयॉर्क सिटी जो है इसमें यूएन का हेडक्वार्टर है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था मोपाला का विद्रोह 1921 में। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोपाला विद्रोह का, जो ये क्वेश्चन है ये कई शिफ्ट में यहाँ पे रिवाइज हो चुका था। किसी शिफ्ट में इसका स्थान पूछ लिया गया, तो किसी शिफ्ट में इसका वर्ष पूछा गया था कि किस वर्ष मोपाला विद्रोह हुआ था केरल में। नेक्स्ट देखिएगा प्लासी किस वर्ष हुई थी, 23 जून 1957 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। और बात करें 1764 को, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा यूडीपी का हेडक्वार्टर पूछ लिया गया, तो न्यूयॉर्क सिटी में है यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राष्ट्रीय आय की गणना भारत में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, यानी कि प्रथम राष्ट्रीय आय जो थी इकोनॉमिक्स की जो कैलकुलेट किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नाभिक की खोज से रिलेटेड क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड जो है इन्होंने यहाँ पे नाभिक की खोज की थी। बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज, जे थॉम्सन जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। फ्रेंड्स जो भी इंपॉर्टेंट आविष्कारक हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन साइंस के पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पुणे खड़कवासला में भारत में एनडीए अकादमी। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। भारत फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है भारत में ये अकादमी कहाँ पर में स्थित है और खड़कवासला में, क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ से इसका आंसर पहले लगा दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत में एनडीए अकादमी जो है ये पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नोकिया के सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पुक्कल उन्मार्क जो है नोकिया के सीईओ है। फ्रेंड्स सीईओ से रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में आप देखिएगा दो या फिर एक, एक से दो क्वेश्चन के बीच में प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा बापटा के चेयरमैन कौन है, तो कृष्णनंदु मजुमदार जो है यहाँ पे बापटा के चेयरमैन है। इसके बाद में देखिएगा फिक्की की फुलफॉर्म बुझली गई है, तो द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, यहाँ पे फिक्की की फुलफॉर्म हो जाएगी। फ्रेंड्स फुलफॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा विटामिन रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया के कारण होने वाली बीमारी, विटामिन डी के कारण जो रिकेट्स और ओस्टी मलेरिया ये होने वाली विटामिन डी के कारण जो बीमारी है उसके नाम यहाँ पे बताए गए हैं। विटामिन डी से रिलेटेड बीमारियों से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा सिटी ऑफ सफरोन कौन सा है, तो कश्मीर हो जाएगा इसका आंसर। पेटीएम के सीईओ की बात करें तो विजय शेखर शर्मा जो है पेटीएम के वर्तमान में सीईओ हैं। नेक्स्ट देखिएगा गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, तो विजयपुरा कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा वन लाइनर जो है यहाँ पे टाइपिंग की गई है, इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2019 वायनाड राहुल गांधी का निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था कि राहुल गांधी का क्षेत्र कौन सा है, तो वायनाड है 2019 का। नेक्स्ट देखिएगा पीएसएलवी की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में देखिएगा राजस्थान के गवर्नर से रिलेटेड है, तो कलराज मिश्र जो है वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखिएगा येन किसकी मुद्रा है, तो फ्रेंड्स येन जो है जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स देखिए मुद्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट देशों की मुद्रा है उनको एक बार जरूर यहाँ पर रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको जो है एक से दो नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल पाए। नेक्स्ट देखिएगा लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है, तो रीवा सोर MP में स्थित है भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। नेक्स्ट देखिएगा हार्ड वाटर का फॉर्मूला, फ्रेंड्स यहाँ पे तो D2O जो है ये हार्ड वाटर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लार्जेस्ट बुद्धा, यानी कि जो चीन का दुनिया का सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थित है, तो हेनान में स्थित है चीन में टेंपल पे।
फ्रेंड्स, बुद्ध से रिलेटेड काफी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है इसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, G20 2020 सऊदी अरबिया में आयोजित हुआ था, यानी कि 2020 में G20 की बैठक कहाँ पे हुई थी, तो सऊदी अरब जो है यहाँ पे G20 2020 की हाल ही में बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन, फ्रेंड्स क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो 4 लाख भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन है। नेक्स्ट देखिएगा, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई यहाँ पे पूछ ली गई है, तो नई ऊंचाई जो है ये हो जाएगी 8,848.86 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की जो न्यू ऊंचाई की यहाँ पे कैलकुलेशन आई है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, फीफा 2020 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबल पुरस्कार किस 1930 में दिया गया था, और ये जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में इनको यहाँ पे नोबल पुरस्कार मिला था कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में। नेक्स्ट देखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, फ्रेंड्स हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, गुलाम वंश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विटामिन के का उपयोग शरीर द्वारा रक्त के थक्के की मदद के लिए किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन के का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर कौन सा है, तो डॉल्फिन हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर। फ्रेंड्स देखिए, स्टैटिक जीके से ही काफ़ी क्वेश्चन है जो यहाँ पे इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फ्रेंड्स फिर से देखिएगा, ब्लड का पीएच मान पूछ लिया गया, तो 7.4। आप देखिएगा फिर से यहीं पे क्वेश्चन रिपीट हो गया ब्लड वाला। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जो भी आपके यहाँ पे सेकेंड फेज होने वाला है जो वर्तमान में चल रहा है, इसके बाद में थर्ड फेज होगा, फोर्थ फेज होगा, इन सभी में जो है क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होंगे। फर्स्ट फेज के क्वेश्चन फर्स्ट फेज में ही रिपीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर सेकेंड फेज और थर्ड फेज में तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट यहां पे होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, NIU की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। फ्रेंड्स जो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है उनसे रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस वर्ष हुआ था, तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थशास्त्र में नोबल मूल्य पाने वाले पहले भारतीय अमृत सेन है। फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमृत सेन है, जिनको कि यहाँ पे जो आपका वो होता है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, नोबल पुरस्कार। नेक्स्ट देखिएगा, किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मंगोलिया की कैपिटल बूझ ली गई है। फ्रेंड जो भी इंपॉर्टेंट कैपिटल है उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो एक बार जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैपिटल है उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कर्नाटक में शिव सुंदरम किस राज्य में है, यानी कि क्वेश्चन है शिव सुंदरम जो है ये किस राज्य में है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग में बहुत ही ज़्यादा एरर आ रहा है, तो आप देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से है शिव सुंदरम किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य का दृश्यमान परत तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी यानी कि स्वराज पार्टी के गठन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू व चित्रंजन दास ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। नेक्स्ट देखिएगा, लाइम वाटर का फॉर्मूला पूछ लिया गया है, लाइम वाटर तो Ca(OH)2, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, टेलीनगन के गवर्नर कौन है, यानी कि तेलंगाना के गवर्नर के बारे में पूछा गया है। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, इंग्लिश में आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ भी मिस्टेक हो चुका है। नेक्स्ट इसके गवर्नर की बात करें तो तमिली साइज जो है साउंड राजन सुंदर राजन, यहाँ पर देखिए साउंड राजन हो गया, तमिली साई सुंदर राजन जो है वर्तमान में तेलंगाना के गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पे बताया गया है।
न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज, बात करें प्रोटॉन के आविष्कार तो रदरफोर्ड ने किया था, बात करें इलेक्ट्रॉन का आविष्कार तो ये किया था जे.जे. थॉमसन से। फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रत्येक सेट में पूछे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये जो तीनों आविष्कारक है ना, ये बिल्कुल ही कन्फ्यूजन पॉइंट है, इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी, बात करें प्रोटॉन के बारे में तो रदरफोर्ड ने की थी, और बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे.जे. थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपकी संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो देखिए ए.ओ. हुम ने इसकी स्थापना की थी और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स इसके जो भी सम्मेलन हुए थे उसमें किसने भाग लिया था और कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन तो प्रत्येक चैप्टर में पूछा जा रहा है। कभी पूछ ले गांधी इरविन समझौता कब हुआ, कभी पूछ रहे हैं किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया है, और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी, दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, इस प्रकार के जो भी स्टेटिक जीके के क्वेश्चन है बार बार यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा इंडेक्स का क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में टॉप स्थान पर कौन रहा है, तो नॉर्वे जो है इसमें टॉप स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास थे 25वें, यानी कि 25वें गवर्नर के बारे में पूछा गया है, तो शशिकांत दास जो है आरबीआई के 25वें गवर्नर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आईसीसी का हेडक्वार्टर की बात करें तो दुबई में स्थित है आईसीसी का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट देखिएगा भूटान की कैपिटल के बारे में पूछा गया है, तो थिम्पू जो है फ्रेंड्स भूटान जो है इसकी कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा फकीर विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रेंड्स फकीर विद्रोह कब हुआ था, तो 1976 से 77 के बीच में हुआ था फकीर विद्रोह। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ जो भी इंपॉर्टेंट विद्रोह है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है। देखिए सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था बंगाल में, और ये हुआ था 1760 से लेके 1800 ईस्वी के बीच में। फकीर विद्रोह अभी आपने देख ही लिया, 1776 से 1777 के बीच में फकीर विद्रोह हुआ था। इसके बाद में बात करें फ्रेंड्स नील विद्रोह के बारे में, तो बंगाल बिहार में हुआ था और 1854 से 62 के मध्य में चला था नील विद्रोह। इसके बाद में देखिएगा मोपला विद्रोह की बात करें तो मालाबार केरल में हुआ था मोपला विद्रोह, जो हाल ही में हमने यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पे रिवाइज कर लिया था। ये कब हुआ था, 1920 से और यहाँ पे देखिएगा 22 के बीच में हुआ था मोपला विद्रोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स एक हुआ था तेलंगाना आंदोलन जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये हुआ था 1946 में तेलंगाना का आंदोलन। बात करें इसी प्रकार से भील विद्रोह के बारे में तो ये हुआ था 1825 से 31 के बीच में चला था भील विद्रोह। और फ्रेंड्स देखो चेरो विद्रोह जो हुआ था ये झारखंड में हुआ था, और इससे संबंधित जो नेता थे वो भूषण सिंह थे, ये हुआ था फ्रेंड्स 1800 ईस्वी में। फ्रेंड्स बात करें खासी विद्रोह के बारे में तो असम में हुआ था 1833 ईस्वी में। इस प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट विद्रोह से क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा सांची यूनेस्को के तहत आया था, यानी कि किस वर्ष यूनेस्को के अंडर में जो है इसको शामिल कर लिया गया था, तो 1989 में सांची के स्तूप को शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया कौन सा है, भारत का पहला रिजर्व टाइगर, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में स्थित है, भारत का पहला रिजर्व टाइगर पार्क है। नेक्स्ट देखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, बात करें फ्रेंड्स पूर्ण स्वराज के बारे में तो इसकी मांग की गई थी 1929 में, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज गिवन, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखिएगा फिर से फुल फॉर्म आ गई HTPT की, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगी। फ्रेंड्स कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म तो हर शिफ्ट में यहाँ पे पूछे जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजीव गांधी यानी कि खेल अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस किस को मिला है, तो देखिए 5 लोगों को यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया है, जो रोहित शर्मा है इनको दिया गया, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, एम थंगावेलु को और मनिका बत्रा को। फ्रेंड्स इनको आप रट डालिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी किसी शिफ्ट में तो 4 का नाम दे दिया, 3 का नाम दे देगा, 1 अलग दे देगा, और पूछा जाएगा किसको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला है, और यदि
यदि तीन अलग दे देगा, एक आपको इनमें से दे देगा और पूछेगा कि किसको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है और फ्रेंड्स ये किसके क्षेत्र से संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कोशिका की खोज के बारे में क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ने की थी और ये खोज की थी 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुई द पीएम ऑफ जापान, यानी कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो योशी हिंदे सुंगा जो है वर्तमान में जापान के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबर के पिता से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बाबर के पिता कौन थे, तो उमर शेख मिर्जा, टाइपिंग मिस्टेक है, उमर शेख मिर्जा जो है बाबर के पिता थे। फ्रेंड्स बिल्कुल जो है आपको ऐसा लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और इसी प्रकार का पैटर्न जो आपके नेक्स्ट फेज होने वाले हैं उन सभी में रहने वाला है, तो इस दृष्टि से क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंडों एनालिसिस पहुंच जाए। फ्रेंड्स हम जो है वीडियो में देखना, आप यहाँ पे 900 प्लस क्वेश्चन है जिनका वीडियो एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीएम ऑफ केरल की बात करें कि केरल के सीएम कौन है, तो पी विजय यन जो है वर्तमान में केरल सीएम है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से फुल फॉर्म आ गई जीएसटी की, इस बार जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ गई है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है जीएसटी की फुल फॉर्म है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सार्वभौमिक स्वीकर्ता कौन सा रक्त समूह है, तो फ्रेंड्स ए बी हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव, और जो आप सभी को यहाँ पे रक्त दे सकते हैं वो कौन सा होता है, ओ पॉजिटिव। साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूएनओ का प्रमुख कौन है, फ्रेंड्स यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूएनओ का एंटोनी गुटेरिस जो है यहाँ पे यूएनओ के अध्यक्ष है वर्तमान में। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा अंग पित्तरस का स्त्राव करता है, तो फ्रेंड्स जो लीवर होता है यानी कि जिगर जो होता है ये पित्तरस का स्त्राव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ इंडियन बैंक, यानी कि इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है। फ्रेंड्स टैगलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन और जो भी आपके थीम है, और देखिएगा 10 बैंकों का जो विलय हाल ही में 4 बैंकों में किया गया है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस बैंक विलय किस बैंक में किया गया है, तो इनको आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, इन सभी को एक बार जरूर आप यहाँ पे रट डालो, इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन है जो आपके आगे आने वाली शिफ्ट में यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसका टैगलाइन की बात करें तो योर ओन बैंक इसका टैगलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ डे थीम्स 2020 यानी कि 2020 पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, तो क्लाइमेट एक्शन जो है इसकी थीम थी 2020 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताज फ्रेश वाटर की झील, तो यहाँ पे देखिएगा बेकाल झील है, लेकिन यदि बात करें सबसे ताजे पानी की झील तो सुप्रयाग झील यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट देखिएगा, पीर पंजाल टनल इज नेम्ड आफ्टर अटल बिहार वाजपेयी, यानी कि जो पीर पंजाल सुरंग है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसका जो नाम है यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो असम स्टेट में स्थित है सुकेश्वर मंदिर, और इससे पहले भी एक मंदिर का क्वेश्चन आया था कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, तो केरल में था का मंदिर है। नेक्स्ट देखिएगा, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन यानी कि स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है, तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये पूछे गए ये क्वेश्चन है, बिल्कुल रियल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, गॉड फादर ऑफ द आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना के पिता किसे कहा जाता है, तो जेपी नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदर्श ग्राम योजना के पिता इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रयान 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि चंद्रयान 2 का लॉन्च व्हीकल क्या था, तो जीएसएलवी एम के थर्ड एम फर्स्ट जो है जीएस ये लॉन्च व्हीकल था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना किस संबंधित है, तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसके बारे में। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो इनडायरेक्ट कर है जीएसटी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना किस से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का करते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। और यहाँ पे देखिए पीएमकेवाई की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। फ्रेंड्स क्वेश्चन जो यही था, लेकिन आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि किससे संबंधित,
और किस वर्ष ये योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया यानी कि सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो जो चेन्नई नेसरी टनल है ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, ASCII की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन यानी कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये है फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड जो है इसमें स्थित जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखिएगा, GST फुल फॉर्म से पूछा गया, तो गुड एंड सर्विसेज टैक्स जो GST का फुल फॉर्म हो जाएगा। तमिलनाडु के CM से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, श्री श्री सुरु जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, तो सासाराम में हुआ था 1972 में। हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो फ्रेंड्स हुमायूं नामा इन्हीं के सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूं नामा पुस्तक है। नेक्स्ट देखिएगा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा गया, तो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। लेमन का पीएच मान फिर से आ गया, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट देखिएगा, कावेरी जल विवाद किस किस के बीच में स्थित है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में स्थित है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन है, तो भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, HLL की फुल फॉर्म बुझ गई है, हाई लेवल लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है, यहाँ पे HLL की फुल फॉर्म है। इसके बाद में देखिएगा, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अंबेडकर जी को कहा जाता है संविधान के पिता में। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, जो आपके RBI के गवर्नर डोमिनेस्टिन के समय तो उर्जित पटेल थे 2016 में, जो आपके यहाँ पे वो हुई थी और चेंज हुए थे उस समय के क्वेश्चन पूछा गया। IPL 2020 का विनर कौन है, तो मुंबई इंडियंस इसका विनर है और UAE में इसका आयोजन किया गया था, 13वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ पे की थी, तो ये बेलगांव में की थी। लेकिन क्वेश्चन इतना ही था कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में कब हिस्सा लिया था 1924 में, और ये लिया था बेलगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सार्क में से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्री जो है सार्क में स्थित नहीं, जो भी कंट्रीज इसमें स्थित है उनसे रिलेटेड बता दूं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका जो है सार्क की मेंबर, 7 कंट्री फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल हैं जो कि सार्क की सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपकी यहाँ पाइथन है कंप्यूटर की ये क्या है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जातक कथा किस धर्म से संबंधित है, तो जातक कथाएं जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, जादूगुड़ा जो उद्यान है किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में स्थित है जादूगुड़ा का भंडार। नेक्स्ट देखिएगा, फिर से यहाँ पे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आ गया, जयदेव द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी, तो गीत गोविंद के निर्माता जयदेव थे। नेक्स्ट देखिएगा, कैपिटल ऑन चीन यानी कि चीन की राजधानी क्या है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्वेश्चन था बीजिंग जो है चीन की राजधानी है, जहाँ से कि COVID-19 की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से फुल फॉर्म पूछ गई है, CDSCO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो द सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फ्रेंड्स ये जो फुल फॉर्म है ना, इनको भी आप रिवाइज कीजिएगा, इन्हीं फुल फॉर्म को फिर से आपके शिफ्ट में फिर से रिपीट कर सकता है और फिर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम क्या थी, तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी जो है इसकी थीम थी। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने देखा होगा अब तक 3 से 4 बार ही वीडियो में यहाँ पर रिवाइज हो चुका है, फेमस क्वेश्चन बन चुका है ये RRB का। नेक्स्ट देखिएगा, इबन बतूता किस देश से थे, तो मोरक्को से आए थे इबन बतूता। इंटेल i9 प्रोसेसर है, इंटेल i9 एक प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, पाल घाट किस पर्वत में स्थित है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है पाल घाट, 1 KB में 1024
वाइट होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 15वां फाइनेंस कमीशन की बात करें तो यानी कि 15वें वित्त आयोग, तो एन के सिंह जो है 15वें वित्त आयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य है। नेक्स्ट देखिएगा ट्रैक बॉल विच द डिवाइस, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद में देखिए बड़े धमाके सिद्धांत जॉर्ज लिमिटेड द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक होता है, बिग बैंग थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है लेकिन टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट देखिएगा असम और अरुणाचल प्रदेश बोगी बिल पुल को जोड़ने वाला पुल कौन सा है, तो बोगी बिल ब्रिज जो है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है, तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखिएगा गोवा के सीएम के बारे में पूछा गया, तो प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहां पर होंगे, तो बर्मिंघम यूके में आयोजित होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो गणतंत्र है प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ। इसके बाद में देखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस है जो कि भारतीय मूल की निवासी है। इसके बाद में देखिएगा डोमिनिस्टेशन डेट के बारे में पूछा गया, तो 8 नवंबर 2016 यानी कि जो आपके आप नोट चेंज हुए थे उन कब हुए थे, तो 8 नवंबर 2016 को मुद्रा चेंज की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है, तो कैप टाउन जो है फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। और के बाद में देखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी के बारे में पूछ लेगा, तो जकार्ता जो है इंडोनेशिया की कैपिटल हो जाएगी। इसके बाद में देखिएगा ड्रीम इलेवन के सीईओ के बारे में पूछा गया, तो हर्ष जैन जो है ड्रीम इलेवन के सीईओ हैं। और फ्रेंड्स जो ड्रीम इलेवन है इन्होंने स्पॉन्सरशिप ली थी इस बार आईपीएल के 13वें संस्करण की, तो ड्रीम इलेवन इसको। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा कौन सा राज्य उच्चतम संख्या सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो कर्नाटक में होता है। आईबीएम के सीईओ तो अरविंद कृष्णा जो है आईबीएम के सीईओ हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा फोरम फिर से पूछ ले गई है डीएचसीपी यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फिगरेशन प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे डीएचसीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर घटक है, तो सेकंड जनरेशन के यानी कि द्वितीय पीढ़ी के जो घटक हैं वो हैं ट्रांजिस्टर। देखिएगा किस देश से भारत सबसे बड़ी भूमि साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ में, सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट देखिएगा OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ऊपरी निचली जबड़े की हड्डी का नाम क्या है, तो लोअर जा जो ऊपर के यानी कि मैंडावाइल और जो अपर होती है नीचे की वो मैक्सिला होती है। यहाँ पे जो है हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में देखिएगा फ्रेंड जो भी बोन है ना उसको एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे बड़ी हड्डी कौन सी सबसे छोटी कौन सी है, और जो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है साइंस के जो आपकी बायोलॉजी है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा गोबी रेगिस्तान किस देश में है, तो मंगोलिया में स्थित है गोबी रेगिस्तान। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड, पहले भी ये पूछ लिया गया था गोबी रेगिस्तान के बारे में और फिर से यहाँ पर रिपीट हो चुका है, तो गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है। फीफा 2022 कहाँ पर होगा, तो कतर में आयोजित किया जाएगा। HTTP की फुल फॉर्म फिर से रिवाइज हो चुकी है, द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिएगा निप्पा वायरस किस राज्य में पाया गया है, तो केरल में निप्पा वायरस की हाल ही में जो है खोज हुई है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, दाचीगाम तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। या फ्रेंड्स टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसे देख लीजिएगा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बात करें वर्धमान या केवला जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो जो यहाँ पे वर्धमान है ये यहाँ पे 24वें तीर्थंकर थे। श्रीनगर एंड लद्दाख कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, तो जोजिला पास यानी कि जोजिला सुरंग के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिएगा शीतल पेय में कौन से गैस मौजूद होती है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड शीतल पेय में मौजूद होती है। नेक्स्ट देखिएगा पोलैंड का एक शहर वोकरा श्री हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है। पोलैंड में एक शहर में श्री हरिवंश राय बच्चन जो है हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, इनके नाम पर एक चौराहे का नाम जो है पोलैंड शहर के ब्रोकला में रखा गया। नेक्स्ट देखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में टॉप कंट्री जो है ब्रुसेल्स यहाँ पर रही है। इंडिया रैंक इज FDI इसमें 9वीं पोजिशन इंडिया रहा है।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला जो उपग्रह था ये आर्यभट्ट था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, 1912 में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड होर्डिंग जो है ये 1912 में भारत के गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। देखिए फिर से क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो चुका है, ए ओ हुम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी इसके बाद में महात्मा गांधी ने इसमें कब भाग लिया था? तो 1924 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था बेलगांव में। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2000। देखिए फ्रेंड्स स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन है, कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ मिशन लागू अभियान लागू हुआ था। इसके बाद में देखिएगा, बल की एसआई इकाई यहाँ पे पूछ ली गई है, तो न्यूटन यहाँ पे हो जाएगी। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश स्टेट है इसका होता है कुचिपुड़ी नृत्य। फ्रेंड्स नृत्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में देखिएगा, ओएलईडी की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड जो है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नासा की स्थापना पूछ ली गई है, 10 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना की गई थी। और जो आपका इसरो हो गया उसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1679 को। और हेडक्वार्टर वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है के सीवान। मौलिक जो अधिकार है किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में लागू किया गया था। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के वर्तमान में संस्थापक है। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? फ्रेंड्स 250। और लोकसभा में आपने देखा होगा रिलेटेड यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आ गया, 552 लोकसभा में होती है, राज्यसभा में 250 है। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, नोबल प्राइज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, नोबल प्राइज गिवन हाउ मेनी फील्ड से? फिजिक्स केमिस्ट्री और जो आपकी बायोलॉजी मेडिसिन लिटरेचर जो भी है शांति यानी पाइस से संबंधित। ये ओलंपिक 2021 विनू कहाँ पे होगा? टोक्यो में होगा ओलंपिक का। यानी किस किस दिया जाता है नोबल पुरस्कार, ये क्वेश्चन था। तो 6 क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार दिया जाता है, इनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो का बेस्ट क्वालिटी का PDF आपको वहाँ पे आपको वीडियो एंड होने के बाद में इसका बेस्ट क्वालिटी का PDF डाल दिया कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ताजमहल किस वर्ष पूरा हुआ था? 1648 में ताजमहल कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट देखिएगा, स्वच्छ शहर 2019 में इंदौर रहा है, ये चौथी बार जो है इसमें इस सर्वे में फर्स्ट स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, कितने देशों को वीटो पावर है? तो 5 देशों के 5 में वीटो पावर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम साक्षरता किस राज्य में है? तो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। नेक्स्ट देखिएगा, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। दहेज निषेध का जो अधिनियम है 1961 में पारित हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 15 जुलाई 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो लाल हरदयाल और सोहन सिंह बकना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, आर्यभट्ट वर्ष यानी किस वर्ष आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था? 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो फ्रेंड्स 9 तटीय राज्य जो हैं भारत में स्थित हैं। इसरो की स्थापना फिर से पूछ लिया गया, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और 10 अक्टूबर 1958 को जो नासा है अमेरिका की एजेंसी उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, भारत में वन का प्रतिशत क्या है? बात करें तो 24.56% भारत में वनों की स्थिति है। देखिए भारत रत्न स्टार्ट हुआ था 2 जनवरी 1954 में और सबसे पहले मिला था देखो। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? जलवायु क्रिया यानी क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सबसे नया परमाणु रिएक्टर तारापुर परमाणु संयंत्र फर्स्ट है। रॉबर्ट हुक द्वारा स्थापित सेल यानी कि सेल कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। नेक्स्ट देखिएगा, श्वेत क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, MHP किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? इंडिया के द्वारा इसे डिसाइड किया जाता है। ये नेक्स्ट देखिएगा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछ लगे तो पेरिस में है, मिस्टेक हो चुकी है टाइपिंग में। नेक्स्ट देखिएगा, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल RBI की स्थापना हुई थी। बात करें जामा मस्जिद कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लूटूथ इन्वर्ट यानी ब्लूटूथ का जो किसने किया था? डॉक्टर जाप हर्स्टन ने जो है किया था गठन। नेक्स्ट देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली अध्यक्ष कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी सूरत में 1601 में इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, भारत में बात करें उच्चतम न्यायालय की 25 वर्तमान में उच्चतम न्यायालय है, और प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, तमस के ऑथर यहाँ पे पूछ ले गए तो विषम साहनी जो है तमस पुस्तक के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला बैंक है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्थापित किया गया था, भारत का प्रथम बैंक। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, ISP की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ISP की फुल फॉर्म है। इसके बाद में देखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसकी स्थापित की गई थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग नई दिल्ली से कटरा के बीच में स्थित है। व्हाट इज GSAT-31? तो ये फ्रेंड्स क्या है? टेली कम्युनिकेशन एक सैटेलाइट है, इसका नाम यहाँ पे है GSAT-31, भारत का दूर संचार उपग्रह है। नेक्स्ट देखिएगा, पहली ट्रेन भारत में कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में इसको रवाना किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित गांधी के बाद भारत, ये इसके द्वारा लिखित पुस्तक थी, गांधी के बाद भारत जो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2019 की 9 डोस्ट विनर कौन थी? तो वाटर एनिन जिद्दी जो थी इसकी विनर थी। नेक्स्ट देखिएगा, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो पहलवानी से संबंधित है सुशील कुमार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। डंक में अध्यक्ष कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुलंद दरवाजा से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि बुलंद दरवाजा जो है वो यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट, इस दरवाजे का निर्माण 1573 में गुजरात राज्य बादशाह अकबर के विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो फ्रेंड्स, 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदू डाउरी एक्ट इन विच ईयर कब पारित हुआ था? 1961 में। और यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, भौतिकी में 2 बार नोबल पुरस्कार विजेता कौन है? जॉन बोरडिन 1956 और 1972 में इनको 2 बार नोबल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में मिल चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, पंडित रमाबाई जो भाषा के विद्वान है, संस्कृत भाषा की विद्वान है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 सेक्स रेश 940 फीमेल्स पर 1000। फ्रेंड्स, ये जो है 940 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में कुल अंतर्देशीय जलमार्ग कितने हैं? तो 111 भारत कुल अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। भारत में कुल परमाणु रिएक्टर की बात करें तो टोटल 22 परमाणु रिएक्टर भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? जकार्ता इसकी कैपिटल हो जाएगी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको पहले भी पूछ लिया गया था, फिर से इसको रिवाइज किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, INS 1924 ये कहाँ पे हो? बेलगाम में हुआ था, यानी कि कांग्रेस का 1924 में जो हुआ था सम्मेलन वो बेलगाम में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब जाता है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट देखिएगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट देखिए गांधी सागर बांध की बात करें तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा फिर से यूएल की फुल फॉर्म आ गई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूएलएल की फुल फॉर्म है। बात करें द गोविंद बिरगी ऑर्गेनाइजेशन नासिक में स्थित, गोदावरी की उत्पत्ति नासिक से होती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रधानमंत्री देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च कब की गई थी, 2015 में। फ्रेंड्स 2014 से लेकर 2020 तक की जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उन सभी से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे जा रहे हैं और करंट से भी क्वेश्चन यहां पे बन रहे हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। दूध का पीएच मान 5 से 6-7 के बीच में होता है। बात करें अटल टनल के बारे में तो फ्रेंड्स 9.2 किलोमीटर लंबी है अटल टनल। देखिए फ्रेंड्स 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। आरटीआई एक्ट कब पारित हुआ था, आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934 में, और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा जो ओलंपिक था वो हुआ था 29 जुलाई 2019 को भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ लॉन्जिंग गैस का नाम क्या है, तो नाइट्रोक्स ऑक्साइड जो है इसका केमिकल नेम है। लाफिंग गैस जो होती है आपकी आसानी वाली नाइट्रिक ऑक्साइड, इसी का यहाँ पे जो है केमिकल नेम पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखिए भारत में साइमन कमीशन आया था, तो भारत में साइमन कमीशन आया था 1928 में। फ्रेंड्स देखिएगा व्हाट इज द नेम ऑफ पोखरण टेस्ट इन 1958, यानी कि 1958 में जो पोखरण टेस्ट हुआ था द्वितीय, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति, उसका यहाँ पे कोडवर्ड दिया गया था। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर पूछा गया था न्यू दिल्ली में स्थित है। जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं, जिनका कार्यकाल में 2 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मनरेगा की कब स्थापना हुई थी, 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की स्थापना हुई थी। दुनिया में कुल यूनेस्को साइट कितनी है, तो 1121 यूनेस्को की साइट हैं जिनको कि यूनेस्को में दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, यानी कि क्वेश्चन था कि 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हाउ इज द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 किसे बनाया गया है, तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है, तो फोलिक एसिड विटामिन 9 का विटामिन बी है ये फ्रेंड्स। इस विटामिन बी 9 का जो रासायनिक नाम है ये फोलिक एसिड हो जाएगा। जावा लैंग्वेज 1995 में राइट आंसर हो जाएगा जावा लैंग्वेज का। फ्रेंड्स देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया DIOS की फुल फॉर्म क्या है, तो डाटा इंटरेसिव ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं, तो 17 भाषाएं जो है भारतीय मुद्रा में भाषाएं हैं। हेपेटाइटिस बी किस जीव से होता है, तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस के कारण होता है। आर्टिकल 110 क्या है, मनी बिल से संबंधित है आर्टिकल 110। देखिएगा भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, कलकत्ता में भारत का प्रथम उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। इंस्टा फर्स्ट बी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कब हुआ था, 1983 में। सेबी के चेयरमैन यानी कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा जो है एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन है। सुकन्या समृद्धि योजना कब स्टार्ट की गई थी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो फ्रेंड्स बोडो जो भाषा है ये सबसे ठंड जो आपके इसका ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका राइट आंसर हो जाएगा। PDF की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो PDF होता है आपका, जैसे मैं आपको यहाँ पे PDF देने वाला हूँ जैसे वीडियो एंड होगा उसके बाद में, तो उसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। विटामिन B3 का जो है नेम यहाँ पे क्या होगा, नाइकिन जो है विटामिन B3 का नेम है। नेक्स्ट सबसे बड़े ताजे पानी की द्वीप जो कौन सा है, माजुली द्वीप फ्रेश द्वीप ताजा पानी का सबसे बड़ा। पोंगल त्यौहार किस राज्य का है, तो तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल।
संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। रेलवे के चेयरमैन वर्तमान में कौन बनाए गए हैं? तो सुनीत शर्मा रेलवे के चेयरमैन हैं। और यदि बात करें रेलवे के प्रथम चेयरमैन के बारे में तो वीके यादव रेलवे के प्रथम चेयरमैन थे, जिनको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। सुनीत शर्मा को हाल ही में यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है, और जो सेकंड सीईओ है वो भी रेलवे के सुनीत शर्मा है। नेक्स्ट देखिए, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 में दिया गया था, और इंदिरा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था। इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो फ्रेंड्स 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडियन बिटवीन मुंबई थाने, भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में कब शुरू हुई थी? तो 1853 में ये स्टार्ट हुई थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। नेक्स्ट देखिए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिलीपींस मंगोलिया में इसका जो एशियाई विकास बैंक है इसका हेडक्वार्टर्स है। ब्रिक्स समिट 2019 कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में ब्रिक्स का 2019 का सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, डलहौजी द्वारा चेरी नाम किसके द्वारा दिया गया था? किंगडम अवार्ड्स के लिए ये नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंट केव इज लोकेटेड इन विच सिटी? बॉम्बे। संगाली त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाली त्यौहार भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कि राज्य में एक परिवार एक नौकरी योजना चलाई गई है? सिक्किम राज्य में। फ्रेंड्स यहाँ पर राशन कार्ड पे नौकरी दी गई है, सिक्किम स्टेट में एक परिवार एक नौकरी की घोषणा की गई है। बात करें श्रीलंका सबसे लंबी नदी महावली गंगा 335 किलोमीटर लंबी है। और देखिए यहाँ पे पुंसा डैम के बारे में पूछ लिया गया था, नर्मदा नदी पर स्थित है। 1857 का मेरठ विद्रोह हुआ था, 10 मई को स्टार्ट हुआ था मेरठ में। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फिर से फुल फॉर्म पूछ ली गई है, BIOS की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ पे फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कोरोमंडल तट पर स्थित है, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है। चंद्रयान 2 किसके व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो GSLV M के थर्ड M फर्स्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने जो है 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। इसके बाद में देखिए, अधिनियम केंद्र में डायरी के लिए ये प्रदान किया गया था। जी सेट लॉन्च्ड व्हीकल इन इंडिया 1 जुलाई 1917 को इसका जो है लॉन्च किया गया था। डेट आपको याद रखनी है 1 जुलाई 2017 को GST जो लॉन्च किया गया था, ये यहाँ पे किया गया था, सबसे पहले असम राज्य में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्ट विलियम्स, तो ये अस्टैंडिंग जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म? CCA की फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडेड एक्ट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म? TRAI की क्या हो जाएगी? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर जो है अलग से स्थापना इसकी हुई थी 1953 में। भीमेश्वर मंदिर किस के द्वारा निर्मित है? तो राजा चोल के द्वारा तमिलनाडु में स्थित है। देना और विजय बैंक का विलय किसमें हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा में। महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सेकंड राउंड में लिया था 1931 में। और तीनों सम्मेलन भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो वॉन लीगर 2020 कहाँ पर? रियल में। शेड्स ऑफ केसर के लेखक कौन? सबा नकवी जो है शेड्स ऑफ केसर के लेखक हैं। यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल कौन है? बान की मून जो है यूएनओ का 8वां सेक्रेटरी जनरल है। FTP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के गवर्नर के बारे में पूछा गया, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर
हो जाएंगे। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नाथुला दर नीला थोता का फॉर्मूला CuSO4 है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। माइक्रो कैपिटल रबत। अनुच्छेद 108 भारत की संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है, यानी कि 108 के तहत भारत की जो संसद है उसकी संयुक्त अध्यक्षता की जाती है। गोवा के सीएम के बारे में पूछा गया है, ये फिर से रिपीट हुआ है, प्रमोद सावंत गोवा के सीएम हैं। ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, कोलकाता का जो पोर्ट है ये सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया का। भारत में सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है। तमिलनाडु नव वर्ष को पुथांडू कहा जाता है, तमिलनाडु के नववर्ष को पुथांडू कहा जाता है। CCS की फुल फॉर्म की बात करें तो कैश डिंग स्टाइल सीट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा LIFO लिफो की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है LIFO की फुल फॉर्म हो जाएगी। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। ढोला दुखिया पुल किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में ढोला दुखिया पुल स्थित है। IMF के नए सदस्य कौन है, अंडोरा जो है IMF के नए सदस्य हैं। इसके बाद में देखिएगा फोर्स की यूनिट, यानी कि यहाँ पे फोर्स की यूनिट पूछी गई, तो यहाँ पे न्यूटन इसके राइट आंसर हो जाएगा। 1913 में भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था, रवींद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो कल्लई बांध जो है भारत का सबसे पुराना बांध है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा आर्यभट्ट द्वारा निर्मित पहला रहित उपग्रह, मानव रहित उपग्रह कौन सा है, बेंगलोर के पास पिन्या में इकट्ठित हुआ था भारत का आर्यभट्ट द्वारा पहला निर्मित मानव उपग्रह। नेक्स्ट देखिएगा IPL वोन द कैप्टन, IPL मैच जीतने वाले कैप्टन कौन बन गए, तो MS धोनी IPL मैच जीतने वाले कैप्टन बन चुके हैं। पूना एक्ट 1916 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। डायमंड का अधिकांश भाग किस देश में है, तो ये रूस देश में स्थित है। विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून के रूप में मनाया जाता है। विश्व बैंक में सदस्यों की संख्या कितनी है, 180 विश्व बैंक में सदस्यों की संख्या है। पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस वर्ष 1956 में शुरू किया गया था, आया राम गया राम कहावत किसने दी थी, 1967 में नेता राव बीरेंद्र सिंह के द्वारा दी गई थी। ये पार्टी चेंज करने के कारण इस कहावत को जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया गया था। राज्य मान्यता अधिनियम किस वर्ष के अधिनियम किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका क्वेश्चन अब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट देखिएगा भारत के पूर्वी तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई पोर्ट है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट देखिएगा आयात और निर्यात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहा जाता है, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया था। शुद्ध निवेश का फॉर्मूला निवेश माइनस मूल्यह्रास होता है। नेक्स्ट देखिएगा टोटल कॉस्ट यानी कि उत्पादन की कुल लागत प्रति लागत औसत लागत कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा 1994 में UNO ने किस संस्था को निलंबित कर दिया था, ट्रस्टी पीसन काउंसिलिंग जो है संस्था को 1994 में UNO के द्वारा निलंबित कर दिया गया था। बंगाल में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी। ऑटोहोप एक ऐसा जीव है जो प्रकाश पानी कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन बना सकता है। कौन सा हिस्सा न्यूरॉन में जानकारी प्राप्त करता है, तो डेंड्राइट जो है न्यूरॉन में जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिएगा इसरो 12 जनवरी 2018 को अपना 100वां उपग्रह लॉन्च करने वाला है CROSTO-2। भारत के आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। नेक्स्ट देखिएगा नेपाल का यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट पूछा गया, तो विद्या देवी भंडारी नेपाल की वर्तमान में प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ज्योग्राफी के पिता पूछे गए, तो एरोस्टोनिस जो है यहाँ पे ज्योग्राफी के पिता हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा 2019 में यूनियन बजट किसने पेश पारित किया था, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे पढ़ा गया था। राज्यसभा के पहले सभापति कौन है, डॉ. S. राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति। हरियाणा में फतेहाबाद जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। शूटिंग चैंपियनशिप 2018 में सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। UR की फुल फॉर्म फिर से आ गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारतमाला सड़क और राजमार्ग परियोजना से संबंधित है, भारतमाला सड़क और राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। जीवन कोशिका की सबसे छोटी इकाई है जीव।
वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 इंडिया की रैंक 48 इसमें रही है। वैज्ञानिक हाउस फ्लाई नामक मुस्का डोम में स्टिका है। अशोक पिलर किस भाषा में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में। 1950 में भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? 395 लेख भारतीय संविधान में 1950 में। इंडियन एशियाई खेल 2018 में 25 एयर पिस्टल गोल्ड किसने जीता? तो रानी सरनोबत के द्वारा इसे यहाँ पे 25 एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 2018 के एशियाई खेल में। भारत के अटॉर्नी जनरल 2020 के कौन है? के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल है। स्वेडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नोबल प्राइज से संबंधित है स्वेडिश अकादमी, इसी के द्वारा नोबल प्राइज दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल जो हैं ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल नहीं, पंजाब है। ओपेक के कुल सदस्य 13 हैं। भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? 553 भारत में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। रेखीय विस्तार क्या है? तो हेलुल शोल्डर अरगुना नियोन जो है ये रेखीय विस्तार है। ब्राजील की राजधानी ब्रसालिया जो है ब्राजील की राजधानी है। भारत में कितने परमाणु संयंत्र है? 7 परमाणु संयंत्र भारत में है। NHRM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस दिनांक को पारित किया गया? 2005 में इसे शुरू किया गया था। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन शामिल था? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों को तोड़ने की भारत में कोशिकों में खिलाफत आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक था। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नहीं था? ऑप्शन पे डिपेंडेड क्वेश्चन था। येलो वेस्ट मूवमेंट फ्रांस में हुआ था, यानी कि पीली क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रांस से रिलेटेड हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धि पिता कौन थे? ओहेन मेकार्थी इसके पिता थे। भारतम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2016 में भारतम योजना का शुभारंभ किया गया था। गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 जो है यानी कि 1931 में गांधी इरविन जो संधि हुई थी इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, सेक्शन 377 वुमेन फाइट मंका के द्वारा यहाँ पे जीती गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में 26 संगठन शामिल है जिन्हें भारत में सेवा करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। विश्व युद्ध के बाद भारत महिलाओं में बच्चों के लिए संगठन का कौन सा केंद्र बना? यूनिसेफ। अगस्त 2019 में हिमालयन में 137 के कितने ट्रैकिंग कुल हैं?